अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। डोंकी किंग बना कार्टून, उसके अंदर भी 21 कैरेक्टर मैंने प्ले किए, 21 डिफरेंट फिर अभी कुछ अर्सा पहले हमने छोटी ईद पे अमर मकसूद और मोइन अख्तर एक बड़ा अरसे तक एक प्रोग्राम करते थे लूज टॉक तो एयर वाइक वो हमने रिपीट किया और 3 एपिसोड अंदर जी पानी चाहिए तो किसी तरह से कम कर सकते मजाक के अंदाज में, उसकी एक छोटी सी कोशिश है, अल्लाह का शुक्र है उसमें कामयाबी मिल रही है। मैं अभी तक तकरीबन 122 लोगों की आवाज़ें नकल कर चुका हूँ उनके अंदाज से, पाकिस्तान के भी, पाकिस्तान के बाहर के भी, इंडिया के किसी को सुना दो, किसी को भी जानते हो बता दें लोग यहाँ लगी हुए बैठे इमरान खान साहब तो देखा लूँगी। आप इस दफ़ा इलेक्शन लड़ने लगे बहुत बड़ी बात है, यहाँ पे मौलाना साहब से आप आए अब मुलाकात करने के लिए, आपको इनसे दुआ लेके चाहिए सी, क्योंकि आपको पता ये मुल्क ये एक इश्क का रास्ता, ये एक मोहब्बत का रास्ता, ये ऐसे ऐसे करप्शन से नहीं चलने लगा। आप माशाल्लाह फिक्सेड करते रहे, आपको पता मौलाना साहब आलमगीर साहब ने कराची में कम से कम कुछ 1500 गटर के ढक्कन बंद किए, मैं किसी के मुंह की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो खुले मेन हॉल थे वो उन्होंने बंद किए, उसके बावजूद अभी भी कराची में मेन हॉल है। आलमगीर आपने फतह के बाद एक मुझसे वादा करना, कम से कम डिफेंस और कयूम बात में मुझे कोई मेन हॉल नजर आया, मैंने आपको छोड़ना नहीं है। मियाँ साहब, छोटे मियाँ साहब आजकल जरा जेल में, उनके जरा ज्यादा करना। अच्छा भाई, आप तो हमारे बड़े अजीज हैं, आपके साथ हमारा बड़ा पुराना ताल्लुक है, आपको मैं दावत देता हूँ, आप कभी लाहौर आए आप देखें कि इस तब्दीली ने लाहौर का हाल क्या कर दिया है, लाहौर के अंदर आप भी देख सकते हैं कि किस किस तरह से ऑपरेशन किया जा रहा है, लोगों के मकान ढहे जा रहे हैं, अगर ये तब्दीली 2 महीने और रही यकीन करें लोग मुझे भूल जाएंगे भूल जाएंगे लोग मुझे। मौलाना साहब के सवाल जाके देखें, वहाँ पे 2-2 साल से बंद मिले चल रहे हैं, अगर ये सिलसिला मजीद चला तो मैंने आपको सोफा पर सीख दिया। और अभी एक फिल्म आ रही है बच्चों की डोंकी के फिल्म है, कार्टून फिल्म है कि जंगल में इलेक्शन होते हैं, और मैं आपको सिर्फ एक चीज की दरख्वास्त करूंगा कि मैं आजकल जेल में आदमी कभी कभी डिप्रेशन में चला जाता है, कभी कभी आदमी को लगता है कि जेल में वो बात नहीं है जो मॉडल टाउन में होती थी, जो रायविंड में होती थी, जो अरफा करीम आईटी टावर में जो मेरा कैंप ऑफिस है वहाँ होती थी, जो मनहर पाकिस्तान में पंखा चलते हुए जो कैफियत थी, कुछ वैसी कैफियत आजकल जेल में है। मैं साहब आपसे दुआ के इतवास है कि थोड़ी दुआ करें कि अलमीर साहब आप भी दुआ करें कि मैं जेल से रिहा हो जाऊँ और एक आज़ाद परिंदे की तरह दोबारा से जलसे करूँ और जलसों में गाना गाऊँ, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को, भाई जरा करीब लाना कि भाई जरा मेरे को गुदंदी बांट दूँ, मैं नहीं मानता मैं नहीं जान। आपको अर्ज किया है कि हमें आज तक ये समझ नहीं आया कि लोग आकर ये क्यों कहते हैं कि सिंध में तरक्की नहीं हुई। आप देखिए सिंध की पिछले हुकूमत ने सिंध को क्या दिया, न पानी दिया, न यहाँ पे सिक्योरिटी के सिचुएशंस को कंट्रोल किया, इनफैक्ट सिंध के लोगों ने तो PTI को वोट दिया। ओ अच्छा, पिछले हुकूमत भी हमारी थी, हम तो भूल गए। ठीक
کہ مولانا صاحب آپ تو جانتے ہیں کہ اس وقت سندھ حکومت کافی پریشانی ہے. ہمارے پاس سندھ کے اندر بہت ترقیاتی بجٹ ہے. آپ دیکھیں سندھ میں ہم نے تقدیر بدل دیا ہے کافی لوگوں نے, تھر میں تو ابھی تک بدلی نہیں. کبھی غرور نہیں کیا, ہم نے ترقی بہت کرائی ہے نا وہاں. لیکن اس کے باوجود میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مولانا صاحب کہ جمہوریت بہترین انتقام. آپ چاہے جو بھی کہتے رہے لیکن ہم تو ایک ہی بات کریں گے, مرسو مرسو سنڈا ڈیسو, مرسو مرسو سنڈا ڈیسو, پاکستان کا پہ لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل